फिजियो अच्छा नहीं है, एवरीवन इज वर्किंग वेल. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ. एक मुझे नसीम के ऊपर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हजे 19 साल का होया नहीं, 5 बड़ी इंजर्ड हो गया. इट्स नॉट राइट, देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम. मे बी सेल्फ मैनेजमेंट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड. हम कब तक ब्लेम करेंगे सिस्टम को कि सिस्टम उसकी लुक आफ्टर नहीं कर रहा. तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे. डेफिनेटली मैच काफी फंस गया था थोड़ा सा, हालांकि 4 ओवर में 40 रन बनते हैं और भारत में मतलब ऐसे मैच आपने काफ़ी देखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग में. लेकिन टेंशन में तो ज़रूर आए होंगे आप, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच था और किसी भी हालत में हम हारना नहीं चाहते हैं. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा. जय हिंद. ब्रेक पे जाने से पहले एक और, बल्कि ब्रेक के दौरान ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें राजू भाई की तरफ से पता चली. मैं चाहता हूँ राजू भाई आप खुद बताइए, ओवर रेट का हमने शुरू में भी जिक्र किया, आखिरी 3-3 ओवर में दोनों टीम क्या हुआ है, क्या हुआ है सर, क्या हुआ है बताएगा आप हमारे देखने वालों को. जी ओवर रेट आपको पता है. जी आपने बताया लेट हुए हमारे ओवर. क्यों लेट हुए? वो बीच में एक लेट गया, एक स्विंग हो गया. टाइम होता है, टाइम होता है 85 या 90 मिनट्स होते हैं जिसके अंदर आपको ये 20 ओवर करने होते हैं, उससे एक्सीड कर जाते हैं. और एक अलाउंसेज होते हैं जिसमें विकेट गिर रही है, पानी मंगा लिया, हैमस्ट्रिंग उड़ गई. उसके अलावा भी 15 मिनट डिले है, इसका मतलब है 12 मिनट डिले किया है आपने, जिसकी वजह से 3-3 ओवर दोनों टीम के लिए. ये इस टाइप की क्रिकेट में एक आध ओवर चल जाता है, 3-3 ओवर. दोनों ने बहुत खराब क्रिकेट खेली आखिरी 3 ओवर, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना. और फिर हमने ओवर रेट पे मैच हम हार गए. फिटनेस, ओवर रेट और एक्स्ट्रा बाउंस, बिल्कुल 3 चीजें हो गई. हम फिटनेस, ओवर रेट एंड एक्स्ट्रा बाउंस, आई थिंक वो तो हम पहले भी हमने बात की. बैटिंग ऑर्डर हो गए, बैटिंग ऑर्डर पे अब बात शुरू होने लगी है. अब बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले मैं हफीज भाई को यहाँ पे सेकंड करना चाहूंगा, जहाँ पे हफीज भाई ने कहा कि यार एक खिलाड़ी अगर 42 गेंदों के ऊपर 43 रन बनाता है तो हमें उसके 43 रन नजर आते हैं, लेकिन बाकी उनके पास कितना मौका बच जाता है. सबसे पहले रिजवान, फॉर योर आईज ओनली. रिजवान, सना से शुरू करते हैं कि सना का क्या टेक है इस बात पे. पर कब तक अगर हम ऊपर से 10 ओवर में 60 रन ही करेंगे तो कितनी दफा आप 150 और 160 और 170 पे टच करेंगे? मॉडर्न डे क्रिकेट में 170 से नीचे आसान बात नहीं है. बहुत आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने बॉलिंग की है जिसकी वजह से इतना करीब मैच पहुंचा. अदरवाइज अगर एक दो ओवर शुरू में अच्छे ना होते तो ये मैच 17 ओवर में खत्म हो जाता इंडिया की तरफ. बिल्कुल ऐसा हो सकता था. मोइन भाई मुझे बताया T20 फॉर्मेट, शॉर्टर फॉर्मेट की बात है, बल्लेबाज आता है, ओपनर है आपका, वो ऑन 42 पे 43 बनाता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल उसी के शोल्डर्स पे आते ही नहीं. यार आती तो है बिल्कुल, जैसे हफीज ने कहा जब आपने 3 बॉलें खेली है तो देन यू हैव टू फिनिश. वो उस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके ऊपर होती है, बिकॉज कि आपको पता होता है एज अ बैट्समैन, आने वाला बैट्समैन जो भी मोमेंटम में दे के जाऊंगा, तेज दे के जाऊंगा या फंसा के जाऊंगा इनिंग को, तो मुश्किल होगा उसके लिए आके. तो जब एक आदमी सेट हो जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है. ऑल्दो ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट बट बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, मिसिंग हो रहा था कहीं. मेरा ख्याल है कि मिस कैलकुलेशन भी नजर आई, जहां बॉल गिरी थी उसके अगेंस्ट हिट मारने जा रहे थे. नॉर्मली लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस एंड लिटिल बिट ऑफ द सीम, बॉल बल्ले पे नहीं आया. यू नो ही वॉज ट्राइंग, बट ये अगेन हाँ ऐसे मैच में आप 42 पे 43 रन बनाए तो मेरा ख्याल है यहाँ पे देखना होगा कि आगे आपने किस तरह इस नंबर के ऊपर और आपके पास कौन से बैकअप स्टैंड में जो मौजूद है प्लेयर T20 फॉर्मेट के, कहाँ किसको एक्सप्लोर करके फिट इन कर सकते हैं. यू नो क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान के लिए और टफ होगा, तो एक्सपेरिमेंट का टाइम मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त आगे इनको इतना मिलेगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी देखा है वर्ल्ड कप के बिल्कुल एज के ऊपर भी हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, हमारी टीम नहीं बनती. यू नो आई थिंक जो भी करना है मेरा ख्याल है कि अगले एक ही महीना है जिसमें करना है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है. क्योंकि मैं बोला कि बैकअप में आपके ऊपर लड़के मौजूद, जिस तरह हमने बात की थी शाहीन को नहीं रखा, और आपको पता है एक सबको पता है हफीज तो साथ खेले हैं इनके कि दोनों वर्नेबल है बहुत ज्यादा लेफ्ट आर्मर के ऊपर. यू नो तो आपके पास एक बच्चा मौजूद था मीर हमजा की शक्ल में, उसको आप ले जा सकते थे. यू नो ये अगेन अंदर आता है, बट आई डोंट नो कौन सी प्रेफरेंसेस दी गई हसन अली को लेके आए आप, आई डोंट नो. और फिर मैच भी नहीं खिलाए. तो ये तमाम चीजें जब एट द एंड रिजल्ट आता है ना उस वक्त, हाँ जीत जाते तो नेचुरली हम डिफरेंट गुफ्तगू में भी शायद कर रहे होते, लेकिन ये वो पॉइंट्स है जो हमने मैच से पहले भी हाईलाइट किया. लेकिन एक और बात जो आपने मैच से पहले की थी, पिच देखने के बाद आपने कहा कि बॉल बल्ले पे आएगा, अब क्या हो गया एकदम से कि बॉल बल्ले पे क्यों नहीं आया?
मैं बताऊँ या राशिद भाई? मैं राशिद भाई के लिए मुख्तलिफ सवाल है मेरे पास, क्योंकि आपने कहा था तो मैं आपसे पूछा नहीं। बॉल मेरा ख्याल है बॉल तो आया है बैट के ऊपर, लेकिन जो बैट्समैन ने हमारा बल्ला नहीं आया। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने रॉन्ग सिलेक्शन किए, वी वर नॉट प्रिपेयर, हम क्लियर क्लैरिटी माइंड में नजर नहीं आई, डबल माइंडेड थे जहां पे विकेटें गंवाई हमने। अदरवाइज 147 तक तो आप ले गए, इट मीन्स ये जैसे फीस देगा ये 25 रन शॉर्ट थे, तो एक अच्छी T20 पिच थी। ऐसा नहीं था कि अनप्लेबल पिच हो गई, बस बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रहा, यू नो। तो मेरा ख्याल है कि पिच वॉज गुड, इतनी ऐसी पिच नहीं थी अनप्लेबल, या ऐसी पिच हमने कभी देखी ना T20 में। मेरा ख्याल इट वॉज दोनों के लिए खेल नहीं पाए दोनों टीम में, क्योंकि बाद में भी बॉल सीम हो रहा था, हमने जब बॉल की उस वक्त भी गेंद तो हिला है, लेकिन उन्होंने भी रन तो कर दिए ना। एग्जैक्टली, रन दोनों ने बिल्कुल किया। आप जो राशि भाई आपके लिए मेरे पास सवाल है वो ये है, हम अपने मिडिल ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा दफा हमने बात की, मैंने आपके साथ जितनी दफा हम प्रोग्राम पे बैठे हैं आज तक, हम कोई एक फाइनल शेप हमारे पास नहीं आई अपने मिडिल ऑर्डर की। उसमें हम फखर की बात करें, इफ्तिखार की बात करें, खुश दिल की बात करें, मैं आसिफ की बात करना चाहता हूँ, हर दफा वही सेम शॉट सेम जगह पे कैच आउट, क्या हो क्या रहा है? मैं सीरियस ही जानना चाहता हूँ, वही लड़के आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, वो फील्डर वही खड़ा करते हैं आसिफ शॉट, वो जाहिर सी बात है वो सेटअप करते हैं फिर उसको। पहले रिजवान का सवाल चल रहा था, रिजवान का ये कि उनका जो खेलने का स्टाइल है यही है कि पिच थोड़ी सी बैट के ऊपर बॉल तो जैसे मोइन ने कहा आ रही थी, लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ लग रही थी, क्या मतलब कि एक्स्ट्रा बाउंस नजर आ रहा है उसके ऊपर। वो 15वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हुए, 96 स्कोर था। अब उन अगर PSL अगर देखते हैं ना, कैलकुलेशन करें तो 14 से 15 ओवर में 100 बनते हैं वहां पे, उस लिहाज से आपकी विकेटें गिरना शुरू हुई, 6 विकेटें उसके बाद गिर गई। तो उसने अपना काम किया, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिली उसके बाद, क्योंकि उसी ओवर में खुशदिल शाह भी आउट हो गए। खुशदिल शाह के बाद फौरन आसिफ अली आउट हुए, नवाज आउट हुए, शादाब आउट हुए, फिर नसीम आउट हो गए। तो 6 जो विकेट गिरी है आपकी लास्ट 5 ओवर्स में, 30 बॉलों में 6 विकेट गिर रही है, तो मैं ब्लेम रिजवान को नहीं करूंगा। रिजवान और बाबर दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि रिजवान छोटे पांव से खेलते हैं, जिसकी वजह से रन करते हैं वो, बाबर वेट करते हैं बॉल का और वो इस वजह से ज्यादा रन करते हैं। और हार्दिक पांड्या का देखिएगा, फ्रंट फुट पे गए ही नहीं वो, तो ये पिच थी असिस्ट करने वाली, बॉल का वेट करने वाली, कट पे रहेंगे या स्पिनर्स को आप बैक फुट पे आके मिडल विकेट मारेंगे, जिस तरह हार्दिक पांड्या ने खेला। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं, हमारे बैटर्स आगे की तरफ खेल रहे हैं, उनके जो अपर साइड थी वो आगे की तरफ थी, तो वो एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से थोड़ा सा इश्यू जरूर आया। लेकिन जहां तक रिजवान का देखते हैं, 14.1 ओवर में 96 for 4, चौथी विकेट गिरी है ये, उसके बाद देखें ट्रेल गिर गई पूरी, डोमिनो इफेक्ट जिसके बाद yes, आप जरा मिडिल ऑर्डर वाली बात थी उसके गिरा दी मैंने। आज तक सेट क्यों नहीं कर पाए हम? आप सारे फॉर्मर स्केपर्स बैठे हैं, क्यों नहीं सेट हुआ ये आज तक? नहीं देखें, उसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो प्लेयर मिडिल ऑर्डर के अंदर इंतजार कर रहे थे पिछले 2-4 सालों में, जिनकी बातें की जा रही थी कि मोहम्मद हफीज और शुएब 40 साल के हो गए हैं छोड़ के चले जाएं, आई एम हैप्पीली डन विद माई क्रिकेट, मैंने जो कर सका किया। लेकिन जो 4-5 साल से बच्चे या लड़के या हमारे वो लोग जो बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे, जब उनको मौका मिले और वो ना अपनी परफॉर्मेंस लेते हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। और मुझे सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जब कोई लड़का बाहर होता है और दोबारा जब वो वापिस आता है, तो उसकी जो रेक्टिफाई होनी चाहिए इश्यूज जिसके ऊपर वो बाहर हुआ है, वो कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे अभी स्ट्रेंज सिलेक्शन है हसन अली को लेके, ही इज अ वंडरफुल बॉलर, लेकिन जिस तरह उनको बाहर किया गया, ये कह के जी हम चाहते हैं वो मेंटली थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा अपने आप को रीगैदर करें, फिर वापस आए, ऐसी कड़ी शायद उन्हें घर बह के सेट कर ली थी विदाउट प्लेइंग अ गेम, कि उसको 4 दिन या हफ्ते के बाद आपने दोबारा ले लिया। मेरा अप्रूवल नहीं मिली शायद, मेरा डाउट है जब पहुंचे उसके बाद परमिशन मिलती है आपको एक प्लेइंग 11 के लिए। हमारा एक प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के सिस्टम को बीट किया, कामरान गुलाम की मैं बात कर रहा हूं, उसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन किए, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते ना वनडे में ना T20 में ना टेस्ट में। बिल्कुल, जो आपके सिस्टम को बीट कर रहा है वो चंगा नहीं गा, और जो फर्स्ट क्लास के अंदर खेलते नहीं वो चंगा हो गया। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे ये लगता है कि हमें अपने सिस्टम बीटर्स को जो हमारे प्रोवाइडेड मैचेस हैं जो उसमें बीट करे, जो उसको परफॉर्म करे, हम इसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि हम मिडिल ऑर्डर के अंदर चाहते क्या हैं। हम सीधा चाहते हैं कि जिधर चल गया तो उस दिन पता नहीं है कर देगा, या वी नीड समवन जिसके ऊपर हम बैंक कर सकें कि इफ ही इज देयर ही इज गोना परफॉर्म, या फिर हमारा माइंडसेट है यार मार लेता ठीक है तो रख लो, कोई मसला नहीं है। ये भी हमारा माइंडसेट है। आपने मुझसे सोल्यूशन मांगा कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास प्रूवन
प्लेयर्स मौजूद हैं जो सिस्टम को बीट कर रहे हैं, जो सिस्टम में टॉप कर रहे हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है. अगर हम उनको लेके आएंगे दे विल परफॉर्म बेटर. इसमें सिलेक्शन में एक वीक लिंक नजर आ रहा है कि ऐसी पिच मिल जाए तो ऑलराउंडर पेस बॉलर कौन था आपके पास? राणा साहब मेरे ख्याल फिर राणा साहब को ले आते हैं. वो बॉलिंग भी ठीक कर लेते हैं, वक्त पर बैटिंग भी कर लेते हैं. ऐसी पिचेस के ऊपर आपको शायद, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी ज्यादातर गलती होती है, यहाँ पे होना चाहिए था. ये तो आपकी मॉडल है. अगर ना यहाँ पे अगर स्पिनर, दो स्पिनर ऑलराउंडर खेल रहे हैं, जडेजा दो ओवर कर रहा है, वन ऑफ द ग्रेट में आता है वो बॉलिंग में, लेकिन वो दो ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि एक पेसर होना चाहिए था. जैसे हार्दिक पांड्या दो तीन ओवर करता है, चार ओवर कम, अब फिटनेस के बाद शुरू की है, लेकिन यहाँ पे मे भी 16 में होना चाहिए था या 15 में, जो भी टीम है उसमें होना चाहिए. एक और बात करना चाहता हूँ, फिटनेस प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राशिद भाई ने सारी क्रिकेट खेली, मोइन भाई ने खेली, मैंने जितनी खेली, सना ने अपने लेवल के ऊपर जितनी माशाल्लाह पाकिस्तान की सर्विसेज की, हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है अपनी फिटनेस का. उसको किसी पे ब्लेम कर देना जी ट्रेनर होते गुस्सा कर लो, वो फिजियो अच्छा नहीं है, एवरीवन इज वर्किंग वेल. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउ आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ. एक मुझे नसीम के ऊपर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हजी और 19 साल का होया नहीं, 5 बड़ी इंजर्ड हो गया. इट्स नॉट राइट, देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम. मे बी सेल्फ मैनेजमेंट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड. हम कब तक ब्लेम करेंगे सिस्टम को कि सिस्टम उसकी लुक आफ्टर नहीं कर रहा? भाई तो पहले अपनी लुक आफ्टर खुद तो कर. अगर कोई बंदा 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में भी फिट है और वो खेल रहा है, हमें वो पसंद नहीं है. जो 19 साल में फिर 19 साल देगा दो देखो चार ओवर होंगे नहीं पे. ठीक है, समथिंग रॉन्ग. द पॉइंट्स टेकन, द पॉइंट्स टेकन. नसीम क्या कर नसीम जल्दी में? नहीं नहीं जल्दी में नहीं. नसीम शाह का थोड़ा ये है कि जब अंडर 19 से आए इनका एक्शन मिक्स था, इनको फिर साइड ऑन कराया गया है. अगर फुटेज देखते हैं अंडर 16 में, ये बिल्कुल वेस्ले हॉल टाइप के बॉलर थे और जितने भी काम किया है बड़ा परफेक्टली किया है. एनसीए में हुआ है, प्राइवेट हुआ है, इनका एक्शन बहुत अच्छा किया, मॉडिफाई किया, लेकिन इनका टाइम होता है. 6 महीने तक बड़ी क्रिकेट नहीं खेलनी है आपको. वो बीच में ही खेलने आ गए, वो बीच में ही पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी की और वहीं पे वो अनफिट हो गए. एक टाइम, सर्टेन टाइम होता है कि एक्शन मॉडिफाई के बाद 6 मंथ आपको बॉलिंग करनी है, कहीं पे भी एनसीए में करें या क्लब क्रिकेट खेलें, ये टू अर्ली आ गए. तो वही चीज इनकी चल रही है और ये चलती रहेगी. मोहम्मद शमी को मैंने देखा, एक दो बॉलर और, ये 22-23 साल की उम्र तक ये इंजरी चलती है क्योंकि आपको थोड़े बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज होता है. रिटायर ना हो जाए उससे पहले, 32 साल की उम्र से लगे 20 साल टपया नहीं. मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, मुझे भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ. जैसे उन्होंने नसीम की बात की, उन्होंने कहा ये है, देखिए ये तकलीफ सब क्रिकेट देखने वालों को भी है. शुएब मलिक अगर फिट थे उनको खेल लेना चाहिए, अगर हम वहाब को कंसिडर कर सकते थे उनको बुला लेना चाहिए था, एक्सपीरियंस भी होता हमारे पास. साथ ही साथ मुझे लगता है साथ ही साथ हम फिटनेस की भी बात करते. नसीम को मैं इसे नहीं ब्लेम कर सकता, मैं 19 साल का 20 साल का हूं, मुझे मौका मिले पाकिस्तान खेलने के लिए, मेरी कमर टूटी भी हो तो मैं कहूंगा हाँ भाई मैं हाजिर हूं, मैं खेलूंगा, क्यों नहीं, मैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा. अब जो मिडिल ऑर्डर से हमारी बात शुरू हुई जो हम बॉलिंग तक आ गए, और मुझे लगता है कि बॉलर ने फिर भी प्रेफरेबली बेहतर परफॉर्म किया, इंडिया को तगड़ी उन्होंने चोट पहुंचाई. क्या हमारे मिडिल ऑर्डर का क्या सोल्यूशन है मोइन भाई, आप क्या सोल्यूशन देते हैं? लड़के आ रहे जा रहे. सोल्यूशन जो दिया है वो अच्छा दिया है. बात यह है कि जब आप किसी को ड्रॉप करते हैं और उसको, जैसे हसन अली वापस टीम में आ गया जी, कभी आप इफ्तिखार को ड्रॉप करो तो फजील को ड्रॉप करो तो फिर थोड़े दिनों बाद वापस आ जाते हैं. मीन टाइम कोई जब आप ड्रॉप करते हैं तो रेक्टिफाई तो करें ना, ये प्रॉब्लम है, इस पर काम किया जाए, चाहे वो एनसीए में जाए या उसको एक सीजन दिया जाए, उसको थोड़ा टाइम तो दिया जाए, उसको वैल्यू का पता लगना चाहिए टीम की, इस टीम की क्या वैल्यू है. यू नो टीम ने जो है प्लेयर्स को वो बनाई हुई अपनी जरूरत, रादर देन के प्लेयर को जरूरत होनी चाहिए टीम की. यू नो तो ये जो चीज है, लाइक मैं एग्जाम्पल इस वजह से भी आपको बेहतर दे सकता हूँ, मैंने 4 से 5 दफा पाकिस्तान टीम में कम बैक किया. मे एंड राशिद यूज टू वर्क वेरी हार्ड, जब भी जिसको चांस मिलता था, यू नो हम दोनों के लिए बड़ा मुश्किल. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही थी इस मैच के बारे में. हालांकि मैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ही क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इतना क्लोज मैच ले गए, क्योंकि मैच उतना क्लोज जाना नहीं चाहिए था. इंडिया बहुत डोमिनेट कर रहा था स्टार्टिंग से ही, लेकिन पता नहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना विकेट फेंक के गए मुझे ऐसा लगा. हालांकि विराट ने जो पारी खेली लग रहा था कि विराट इज़ बैक, और बैक हो चुके हैं वो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उन्होंने गलत शॉट खेला. हालांकि मैं उससे कुछ भी मैं दुखी नहीं हूँ. आपको भी पता है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर
टेस्ट करने के लिए ये प्रेशर वाला मैच बहुत जरूरी था और इंडिया का मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ। सूर्य कुमार नहीं चले, कोई बात नहीं, जडेजा चले, हार्दिक पांड्या चले, डीके को मौका नहीं मिला, तो आप समझ सकते हो इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने ये मैच बनाया। जडेजा आए सेंसिबल, मतलब जडेजा जब आए थे उन्हें हिटिंग करना था, लेकिन एकदम से विराट कोहली आउट हो गए तो वो फिर सेंसिबल धीरे धीरे बढ़ते रहे कि भाई 10 से ऊपर रन रेट ना जाए, 10 के अंदर रहे। फिर लास्ट आपने देखा कि मैच बन गया था, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने आके एकदम से जो गेम पलट दिया और मैच इंडिया जीत गई, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान की यही बैटिंग रहने वाली है आने वाले वर्ल्ड कप में भी, पाकिस्तान की ये बॉलिंग नहीं रहने वाली। पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी आएंगे और ऑब्वियसली बाकी तो यही रहेंगे। तो भारत के अभी जसप्रीत बुमराह नहीं है, भारत की बॉलिंग जो है भुवनेश्वर कुमार ही शायद इनमें से एक फास्ट बॉलर आगे जाए, जसप्रीत बुमराह आएंगे और शायद ये सरदार जी ये भी आगे जा सकते हैं। तो भारत तो अभी टेस्ट कर रहा है अपनी टीम में। ऋषभ पंत को बाहर किया, एक बड़ा डिसीजन था ऑब्वियसली। ऋषभ पंत एक ऐसे एक्साइटिंग प्लेयर हैं जो कुछ ना कुछ करके रन बनाते ही हैं, कहीं ना कहीं से शॉट निकालते ही हैं। सूर्य कुमार यादव, मुझे लग रहा था कि उनके ऊपर आज प्रेशर दिख रहा था, क्योंकि वो चाहते तो बॉल को पीछे आगे कहीं पर भी मारते, लेकिन थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव लग रहे थे क्योंकि उनको जाना था, लेकिन एकदम से जडेजा आ गए। तो ये प्लेयर के साथ होता है कि प्लेयर को अगर आप प्लेयर को आपने बोल दिया कि चौथे नंबर पर तुम जाओगे और एकदम से जडेजा आ गया, तो डेफिनेटली सूर्य कुमार के साथ थोड़ा सा सीन क्रिएट हुआ होगा और वो शायद वो उस टच में नहीं दिखे आज। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हुआ। इंडिया का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है जडेजा और हार्दिक पांड्या ने ये फिनिश किया, ये धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हैं बड़े गेम के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। लेकिन डेफिनेटली आप एज ए इंडियन फैन टेंशन में आए होंगे, जब विराट कोहली आउट हुए थे और सूर्य कुमार आउट हुए थे तब तो डेफिनेटली टेंशन में आए थे, लेकिन मुझे पता था कि